down in this situation. T2 के संदेश क्रिप्टो को नॉकआउट करते हुए दो महारथी प्लेयर अप अगेंस्ट ईच अदर स्कैरी यहां पर नॉकआउट हो गए माफिया निंजा द्वारा एक बहुत ही अच्छा रिटेलिजेंट फायर यहां पर देखने को मिलता जानवर वर्सेस डेड एज गाइस सूजन एक काफी इंटरेस्टिंग प्ले यहां पर दिखाते हैं लेकिन इट वाज ड्रॉप हियर विद दैट अप शारी जस्ट सरवाइविंग ऑन हिज ओन नॉट अलोन एंड आई के पास रहेगी और उसको लगाने के बाद ही इज जस्ट हैज 75% ऑफ एचपी नाउ ही इज रेडी और क्या रिवाइवल करना चाहेंगे नो वो करने ही नहीं दिया जाएगा ऑन द अदर साइड उनको यहां पर किसी और एंगल से पनिश करने की कोशिश आई 85 के निकाल चुकी है टॉप 4 आती हुई अंकित 52 X Rage is also there. अब इन चार टीमों के अंदर से दो टीमें from the Pakistan region, two team from the South Asian region and Pika. In fact, top is the only player surviving from the side of Stalwart Esports. कितनी देर तक ये player अपनी सांस रोक सकता है? ये पहला मुकाबला है घमासान मुकाबले की तरफ आगे बढ़ता हुआ 24 मिनट into this match और चारों खिलाड़ी को जीवित रखने में सक्षम ये टीम I8 और खात्मा करते हुए टॉप का Stalwart Esports अगले मैच में आइएगा ये सीधा एक तमाचा गया है I8 के द्वारा और याद होगा आपको ये दोनों टीमें पुचिंकी के इर्द गिर्द खुद को काफी देर तक पा रही थी जहां पे DRS गेमिंग को पहले एलिमिनेट किया गया और अब बारी आती है इस पूरे फाइनल सर्कल की घोस्ट के नाम पे वो एलिमिनेशन गया इस मैच के अंदर घोस्ट ब्लेड उज़म और क्रिप्टो अपनी टीम और अपने झंडे को ऊपर रखने में पूरी तरीके से सक्षम रहेंगे या नहीं बट दूसरी तरफ एक और बहुत रिसेंटली बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने वाली 52X Rage की टीम रेजिस्टेंस ऑफर करते हुए ट्रेन टू किल को जो दर पे इस बार किया था एक तरफ से आइए एक तरफ से 52 रेज नाक में दम करके रख दिया गया ट्रेन टू किल को इसका मतलब है सिर्फ एक इकलौता खिलाड़ी इस पूरे फाइट के अंदर आएगा संदेश वो बचेगा जरूर बट कितनी देर के लिए उस सवाल का भी जवाब हमें मिल जरूर जाएगा बट जब ये सर्कल जब उनसे दूर जाएगा जाएगा सीधे पूरी तरीके से I8 की झोली में 25 मीटर इज व्हाट संदेश ने सुट्रावल ये पूरा स्नेल पेस्ड अप्रोच की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आए हैं 10 फिनिश आप सोचिए ट्रेन टू किल जिस तरीके से कल संघर्ष कर रही थी उतना ही बेहतरीन और उतना ही बेहतरीन प्रदर्शन इस पहले मैच के अंदर बट फाइनली ये दोनों पाकिस्तानी टीमें अब एक दूसरे को भापते हुए अंकित और अभिंदुर के बीच में एक अलग ही कॉम्पिटिशन में चलता हुआ नजर आ सकता था बट नो T2 के समाप्त करती हुई 52X Rage को उज़म की तरफ से कोशिश बहुत ही ज्यादा अच्छी है यहाँ क्यों नहीं होगी I8 फाइनली पहला चिकन निकालती हुई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टीम I8 काफी ज्यादा खुश है फाइनली कल से कोशिश कर रहा था I8 को चिकन मिले अंकित आफ्टर तीन कोशिशों के बाद चौथी बारी में एक शख्स तक लगाया है स्लो टॉस पे यहाँ पर लॉब करते रहने हैं वो मॉलीज लॉब करते रहनी है और उनको वैल्यू मिल सकती है बहुत ही शानदार ग्रेनेड किलो आईटी का इसी चीज की मैं बात कर रहा था जस्ट एक और फॉलो अप ग्रेनेड डालिए ओवर कुक्ड नहीं परफेक्ट वन एंड दिस माइट बी द वन TUF का एक बहुत ही शानदार ग्रेनेड एक तप्पा एट वन तो भाप नहीं पाए और फिलहाल के लिए तो एलेक्स यहाँ पे नाक में दम करके रखे हुए सीडी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स बाकी आगे आके थे चढ़ते हुए उनके ठीक सामने सिर्फ एक इकलौता खिलाड़ी बैठा हुआ है बट ये कितने देर रोक पाएगा जवाब रहेगा सिर्फ 2-3 सेकंड और देखते देखते इस मैच के अंदर सीली स्पोर्ट्स IHC को साबुत निकलते हुए एलेक्स के गिरते हैं यहाँ पे IHC का खात्मा हो चुका है बट अब I8 की निगाहें टिक चुके हैं देव सजन आप देखते हैं इस मैच के अंदर पिछला रैंगल I8 के नाम पे था और एक बार फिर से 6 फिनिश के साथ ऑलरेडी I8 अपने चारों जाबाज खिलाड़ी के साथ इस मैच को रूल करते हुए और शहंशाह बनने की इस कोशिश में तकरार जब होगा सील और द ग्राउंडर्स के बीच में तो कौन विजय प्राप्त करेगा देखिए इस पूरे मैप के अंदर जो ट्रैफिक है वो पूरे वेस्टर्न साइड पे है ईस्टर्न साइड पे तो कोई है ही नहीं ये हाई ग्राउंड एडवांटेज जो है जो सीली स्पोर्ट्स के पास था उसको एक एक करके छीना जा रहा है और देखते देखते इट सीम्स लाइक सील ईस्पोर्ट्स को भी कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है और वहीं पे Stalwart Esports काफी अच्छी तरीके से खुद को रोक के रखे हुए थे पिस के रह गए यहाँ पे वॉली और सील ईस्पोर्ट्स और देखते देखते जितने हाई फ्लैगिंग एटीट्यूड के साथ इस मैच के अंदर I8 आई है हल्का सा अगर ध्यान भटकता है जेन अभी भी वहां पे मौजूद है पलक झपकते ही दो प्लेयर्स डाउन इस तरीके से तो आप DRS के गढ़ में नहीं घुस सकते हैं जब किलर YT ऐसा खिलाड़ी इस एंगल को होल्ड करके रखेगा पता होना चाहिए था कि शामी से बाहर निकलती है DRS और वहीं दूसरी तरफ स्काईलाइट गेमिंग नीन माफिया निंजा और AJ गिर चुके हैं I8 सीधा रैमन करते हुए इस छोटे से ओपन वेयर हाउस के अंदर मॉली भी थ्रो इन किया जाएगा ताकि बाकी खिलाड़ी को पीछे पुश किया जाए एंगल पूरी तरीके से ब्लॉक किया गया ब्लेड उसी मॉली को डॉच करेंगे सिंक्रोनाइज ग्रेनेड और यूटिलिटी के साथ स्काईलाइट गेमिंग देयर वी गो आउट ऑफ द पिक्चर बाय बाय
काफी ज्यादा फनी रिएक्शन आपकी तरफ से देखने को मिलता हूँ, मगर कितनी जल्दी कितनी सारी टीमें हमारे साथ छोड़ती हुई इस समय सानॉक मैप के अंदर। वी टॉक अबाउट द स्प्रिंग 2022 और पी इस बार येटा उटा भी वही चीज करके दिखाते हुए, लेकिन पी का ही स्टिल अलाइव, ही स्टिल ब्रीथिंग, ही स्टिल इन द लॉबी। 2+1 स्प्लिट एंड ही गोज इनटू द हैंड्स ऑफ गोज। अब बारी आती है जान मारा के डोमिनेशन की, और हालांकि सॉरी इस पर कि आपने बताया डीआरएस का काम आसान कर रहे हैं, बट फिर डीआरएस को भी तो अंदर आना होगा, और ऐसे में हाई वोल्टेज को ऑलरेडी आइडिया है। और जिस तरीके से अब देखिए मछुआरों की तरफ प्रवीण, वार्डू और एक्सट्रीम बैठे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सबब बन सकता है, और इसी चीज की तो हम बात कर रहे थे। आई8 को कभी ना कभी तो जोन के अंदर आना ही होगा, और वो जब टाइम बनाया आने का, एक पुश गया है किलर वाईटी के ऊपर, ये सही टाइमिंग था, सही इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जस्टिफाई कर रही है अपनी पुश एक एक करके। जब उन्हें पता था कि सामने वाले खिलाड़ी, सामने वाले प्रतिद्वंदी काफी स्प्लिट में है, चोट मारी है तब जो वो सबसे कमजोर हो। जी हाँ, और अगेन वही सबसे ज्यादा आपको हिट करती है, इनफैक्ट वही सबसे ज्यादा दर्द देती है। पीका का पिक यहाँ पर क्रिप्टो निकालते हुए, और स्काइलाइट गेमिंग की जो बीच की फाइट थी, स्काइलाइट गेमिंग को थोड़ी बहुत यहाँ पे जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, वो अब सॉरी स्पोर्ट्स फेस कर रही है। IAD Esports हर मैच में सेम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, इस बार ब्लेड वो करके दिखाने में सक्षम। एक ही स्प्रे के अंदर कोशिश है ब्लेड की कि एक आध दो खिलाड़ी को तो लेके जाया जाए, बट नहीं हो पाएगा ये। और ओवरऑल रैंकिंग हमारे सामने आ चुकी है, और मेरी बात गलत साबित होती थी, IAD सेकंड पेज पर नहीं जाती और IAD फर्स्ट पेज पर ही रहती है, फिफ्थ स्पॉट के ऊपर, एंड काफी क्लोज है यहाँ पर थर्ड स्पॉट के, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पर रहने वाला है। 1 पॉइंट उनके पास मौजूद, IAD विद 81 पॉइंट्स, फैंटम स्पोर्ट्स विद 68 team, the grounders with 61 points. It is going to be quite interesting to see exactly when they break their way out of there, but IAD Esports, they have been very impressive today. I mean, today was their day. Before yesterday when we started, I believe they were 10th or 11th, but today they have managed to figure out a way to get into the top 5, and not just that, they are very close to Seal Esports. They are very close to toppling over DRS. And maybe if the first two games tomorrow, IAD, one way or the other, manage to finish in the top three with at least 6 to 7 eliminations consistently in both those matches, they will topple over Janmara as well.